calling the video a proof of how the disease of unemployment is taking over India. Bad ending does not just impact the engineers but every citizen. That's why बहुत जरूरी हो गया है इसे सॉल्व करना. Before going to colleges, हमें सोचना चाहिए क्या ये quality education देगा या बस academy complete करवा कर भीड़ का हिस्सा बना देगा. और आज किस वीडियो में आपको बताऊँ जो ये सारी requirements पूरी करती है. They have started a 4-year residential undergraduate program in computer science with specialization AIML so that हमारी country produce कर सके skilled engineers. यहाँ आपको beautiful campus देखने को तो मिलता ही है, also यहाँ आपको internship मिलता है जो कि आपका start हो जाएगा 2nd year से. In addition, यहाँ पे आपको 200 plus placement partners देखने को मिलते हैं जो कि आपको internship और jobs related guide करेंगे और opportunity provide करेंगे. आपका करिकुलम ईयर वाइज सेट किया गया है. यहाँ 4 साल का आपका करिकुलम होगा तो ईयर 1 में क्या क्या चीजें सीखोगे, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, अब उसके बारे में बात करते हैं. ईयर 1 में कहा जाता है सीट जो कि आप बेसिक चीजें सीखते हो या आप इंटरव्यू प्रिपरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स इस पे भी आपको काम करने को मौका मिलेगा. यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा. बाय एंड ऑफ दिस ईयर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, यहाँ पे आप अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड कर पाओगे, खुद का एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग शूट बना पाओगे, पार्टिसिपेट कर पाओगे नेशनल और इंटरनेशनल कोडिंग कॉम्पिटिशन में और यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाओगे ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड ईयर में आता है आपका ग्रू जहाँ पे आपको AIML फंडामेंटल्स वगैरह सिखाया जाता है. बाई एंड ऑफ दिस ईयर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप बिल्ड कर पाओगे डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल, बिल्ड कर पाओगे इंटरेक्टिव डेटा डैशबोर्ड फॉर इंटायर बिजनेसेस, बिल्ड कर पाओगे AI लेड स्पैम क्लासिफायर फॉर ईमेल एंड कंटेंट, यहाँ पे VR गेम्स वगैरह भी आप बिल्ड कर पाओगे और यहाँ पे अब आप AIML जैसे रिलेटेड इंटर्नशिप भी क्रैक कर पाओगे जैसे पेटीएम फोन पे एंड ओला जैसी कंपनीज के लिए. ये सभी चीजें आपको इस कॉलेज के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको बहुत सारी कंपनी जाके इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा. थर्ड ईयर एंड बाई एंड ऑफ दिस ईयर आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप बिल्ड कर पाओगे मूवी रिकमेंडेशन AI फॉर नेटफ्लिक्स Amazon Prime, ट्रेन कर पाओगे AI को टू रीड एंड जनरेट रियल इमेजेस एंड वीडियोस, प्रिपेयर कर पाओगे खुद को अपॉर्चुनिटीज के लिए जैसे गूगल मेटा एप्पल विथ डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम डिजाइन इन AI. ये सभी यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर बताएंगे मेंटर बताएंगे और कंपनीज भी आती है, बहुत सारे स्टार्टअप के फाउंडर्स वगैरह भी आके आपको मेंटरशिप देते हैं गाइड करते हैं. ईयर 4 आपका लॉन्च, ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आता है. बाई एंड ऑफ दिस ईयर यहाँ खुद का AI चैटबॉट बनाओगे, ठीक है, बिल्ड कर पाओगे ChatGPT लाइक AI इन हिंदी बंगाली और अदर पॉपुलर इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, खुद का Alexa बना पाओगे. मतलब बेसिकली आप ईयर 4 में ये चीजें देखते हो और क्रैक करने के लिए आप रेडी कर जाओगे खुद को Netflix, Flipkart, OpenAI जैसी कंपनीज के लिए. बात करें करिकुलम ट्रैक्स की एकेडमिक क्रेडिट्स की तो यहाँ पे आपको 88 क्रेडिट्स आपको इंडस्ट्री ट्रैक का मिलता है, यूनिवर्सिटी ट्रैक 75 क्रेडिट्स, टोटल क्रेडिट 163 क्रेडिट पॉइंट का होता है जो मिनिमम, तब जाके आपको MSU के द्वारा डिग्री मिलती है. ये बहुत सारी क्लब्स वगैरह भी होंगे PhD क्लब्स जहाँ पे Web3 AI जैसे हो गए कोडिंग से रिलेटेड हो गए और डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल कोडिंग कॉम्पिटिशन होता है, उन सभी में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और पार्टिसिपेट कर सकते हो और उससे रिलेटेड भी आपको गाइडेंस वगैरह मिलते रहेगा. यहाँ पे आपको फाउंडर स्टॉक्स वगैरह भी देखने को मिलते, यहाँ पे हैकाथॉन्स लाइव प्रोजेक्ट्स ये सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है. अब बात करते हैं यहाँ पे कैंपस का, तो ये कैंपस आपको बैंगलोर में देखने को मिल जाता है जो कि चारों तरफ से कंपनी है और बीच में आपका पूरा कैंपस फैला हुआ है. कैंपस में आपको हर तरह का सुविधा मिल जाता है, चाहे वो मेडिकल हो गया, फूड हो गया, जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं वो सभी चीजें आपको कैंपस के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है. यहाँ पे और भी चीजें मिल जाती है देखने को, 24/7 कोडिंग डेस्क देखने को मिल जाता है, गैजेट गैराज देखने को मिल जाता है, ठीक है, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है, ठीक है, वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल ऑप्शंस भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है. अब बात करते हैं PhD वर्सेस अदर कॉलेजेस, कैसे अलग है PhD अदर कॉलेजेस के हिसाब से, तो ये कुछ पॉइंट्स है. अभी तक तो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया ईयर वाइज ईयर क्या क्या चीजें होगी, ठीक है, सब कुछ मैं बता दिया. अब बात करते हैं कैसे अलग है ये कॉलेज.
यहाँ पे सबसे पहले जो इसका मॉडल है दोस्तों वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहता है और अदर कॉलेजेस में आप देखते हो एकेडमिक ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलता है, चाहे वो इंटर्नशिप हो गया, जॉब्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है सेकेंड ईयर के स्टार्ट से ही, ठीक है। कैंपस आपका बैंगलोर में सराउंडेड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सैलरी पोटेंशियल्स भी आपको ज़्यादा मिलता है अगर आप इनके थ्रू जाते हो, इनके डिग्री के थ्रू जाते हो और यहाँ से ट्रेन होके जाते हो तो ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कंपनीज ऑफर करती है, प्लस 200+ कंपनीज पार्टनर्ड है इस कॉलेज के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं, आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो, जैसे MIT स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर MS एंड PhD। साथ में आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी आपको देने को मिलेगा, जहाँ पे आप मैंग के प्रोफेशनल के साथ बैठकर इंटरव्यू का प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ करते हो, ठीक है। तो आपको 101 आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, पिच भी कर पा रहे हो, ठीक है। ये कुछ अचीवमेंट्स है जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे गूगल समर ऑफ कोड, ठीक है। 8 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे समर ऑफ बिटकॉइन। तो ये कुछ अचीवमेंट है यहाँ के स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे पढ़ के निकले हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो कंपनीज पार्टनर की गई है कॉलेज के साथ वो है इंड मनी, फिटर, सिंपल, ठीक है, डॉब, अमेजोन, जियो सिनेमा, यमहा, ब्लिंकिट, डिलीवरी, मीशो, जोमैटो, क्लब सब और बहुत सारी कंपनीज। दोस्त बात करें एलिजिबिलिटी बारे में, दैट नॉट एवरी गेट्स इन, यहाँ सबको मौका नहीं मिलता, ये कहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं और उनके वेबसाइट के थ्रू आप चीजें देख सकते हैं। फिर आपको एक इंटरव्यू बोला है, एडमिशन टेस्ट होता है, उसको आपको देना होगा, ठीक है। स्टेप 3 होता है 101 इंटरव्यू, एंड स्टेप 4 होता है एडमिशन लेटर आपको मिलता है, एंड स्टेप 5 आपका इनरोलमेंट हो जाता है, ठीक है। प्रीसीजन के बारे में बात करें, देन आपको ईयर वाइज ईयर आपको फी देखने को मिलता है करीब 19 लाख टोटल फीस। साथ में अगर ये फीस आपको बहुत ज्यादा लग रहा है 19 लाख, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, फी वेवर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सौरभ गांगुली यंग लीडर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे PhD वुमेन्स के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, नीट कम मेरिट वेवर भी देखने को मिलता है, जो ट्यूशन फी है उसमें फीस आपकी कम लग सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डोंट मिस आउट, एप्लीकेशन क्लोजिंग सून, अप्लाई नाउ।